तो जिस तरह साल 2020 में बड़े शहरों से लॉकडाउन के दौरान पलायन हुआ था, कुछ वैसा ही मंजर फिर देखने लगा है। एक बार फिर बाहरी राज्यों से लोग अपने गांवों को लौट रहे हैं। बिहार में भी हजारों लोग ट्रेन और बस से हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन खतरा यह है कि वो लोग अपने साथ वायरस भी ला रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जरिया बनी है ट्रेनें। पुणे से दानापुर पहुंची ट्रेन में 17 कोरोना संक्रमितों की पहचान से हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि ट्रेन में सफर करने वाले कई और मुसाफिर संक्रमित हो चुके होंगे और वो न जाने और कितनों को संक्रमित करेंगे। पटना से लेकर बिहार के कई रेलवे स्टेशन पर इसी तरह बाहरी राज्यों से ट्रेन पहुंच रही। लोग लॉकडाउन लगने की वजह से अपने गांव लौट रहे हैं। कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है और पुणे और मुंबई जैसी जगहों से भी हजारों मुसाफिर रोज पटना पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से आ रहे लोग बिहार में सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। पुणे के दानापुर पहुंचे ट्रेन में 524 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि 17 यात्री कोरोना पॉजिटिव है। सभी मुसाफिरों की पहचान कर ली गई और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। कितने बेंचेस बनाए गए हैं जांच के लिए? जी 15 टेस्टिंग बेंचेस बनाए गए। सभी जगह जांच चल रही है? जी सभी जगह। और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको आइसोलेशन सेंटर में। महाराष्ट्र के पुणे से दानापुर आने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन में कुल 800 यात्री सवार थे। दानापुर स्टेशन पर यह ट्रेन करीब 48 मिनट पहले पहुंच गए, जिसके बाद यात्रियों को लगभग आधे घंटे तक ट्रेन में रोके रखा गया, जिसके बाद कोरोना टेस्ट करने वाली मेडिकल टीम स्टेशन पर पहुंची। यात्रियों को लाइन में लगाकर उनका कोविड-19 जांच कराया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे कई अभियान जारी रहेंगे कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते और खास करके महाराष्ट्र से, तो उनका सबका पूरा का पूरा टेस्ट और जहाँ भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है, तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। सरकार की तरफ से सभी स्टेशन पर मेडिकल टीम और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन बिहार में जितने बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही हो रही उसमें हर मुसाफिर की जांच कर पाना मुमकिन नहीं। फिलहाल रैंडम चेकिंग चल रही। महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों पर सरकार की विशेष नजर है। डर है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से महाराष्ट्र का घातक स्ट्रेन अब बिहार में पहुंच चुका है। पटना में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही। बिहार में फिलहाल कोरोना के 12,000 एक्टिव केस। अब बाहरी राज्यों से आने वालों को क्वारंटाइन करने की तैयारी भी शुरू की गई। सरकार इसके लिए पिछले साल की तर्ज पर क्वारंटीन सेंटर बना रही। राजेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, दानापुर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।